फतेहाबाद के बूथ नंबर 24 पर सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने आज अपना वोट डाला। मीडिया से बातचीत करते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि आज मदर्स डे पर मां भगवती की कृपा उन पर बनी हुई है। वहीं सुनीता दुग्गल ने कहा कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है, विपक्षी हार जीत के अंतर में उनसे कोसों दूर है। पैन कार्ड को लेकर फैलाई जा रही अफवाह को सुनीता दुग्गल ने विपक्ष के हार की बौखलाहट बताया और कहा कि विपक्ष द्वारा ही ये अफवाह फैलाई जा रही है। मतदान किया है, किस तरह का माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। आज मदर्स डे है और माँ भगवती ने पूरा आशीर्वाद दिया है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मदर्स डे की, और सब बिल्कुल त्यौहार की तरह जो है हमारे इस पर्व को, चुनाव के पर्व को मना रहे हैं। चारों तरफ जबरदस्त उत्साह है, उल्लास है, और लोग सुबह सुबह ही शुरू हो गए हैं लाइन बनाकर अपना मतदान करने के लिए, और बहुत ही खुशी का माहौल है। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से 2014 में जो आपने विधानसभा में चुनाव किया था रतिया में, इस बार 2019 में मतदान करें तो अलग अलग पैन कार्ड, ये चीज वायरल हो रही है, ये आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा है कि हार की बौखलाहट में बोलते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, तो उनको कुछ भी और नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर मैं उन चीज़ों की सफाई देने लगूंगी, मुझे लगता है कि बेहतर ये होगा कि मैं अपना काम पॉजिटिव वे में करती रहूं। कितने से आप जीत मान रहे हैं, कितनी जीत आने वाली है? ये आप हैरान हो जाएंगे, मतलब मुझे खुद भी ये लग रहा है, क्योंकि जहां कहीं पे भी जाएं, अभी कहां से फ़ोन आ रहे हैं, कह रहे जी बिल्कुल एक तरफा माहौल हो रखा है ज़बरदस्त, और कितनी जगह तो ऐसे कि विपक्षियों को बूथ भी नहीं मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत हैरान करने वाले नतीजे आने वाले हैं। मुकाबला किससे मानोगे जी? मुकाबला ही नहीं है, वो सुना नहीं आपने? नहीं, वो सुना नहीं है? मैं रिपीट कर दूं, है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सुनीता दुग्गल ने इस दौरान बहुत अधिक मार्जिन से जीत का दावा किया। प्रथम तहलका के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मुंगा की रिपोर्ट।